कि वेजिटेरियन डाइट में इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड ज्यादा है और कंप्लीट प्रोटीन फूड काफी कम है। तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड क्या होता है या कंप्लीट प्रोटीन फूड क्या होता है, और क्या हम दो इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड को कंबाइन करके हम उनको एक कंप्लीट प्रोटीन फूड बना सकते हैं, और क्या उससे सेम बेनिफिट हमें मिलेंगे जो हमें कंप्लीट प्रोटीन फूड से मिलते हैं। तो इसी के बारे में आज डिटेल में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं महेश शर्मा और एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल एंडलेस स्ट्रेंथ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन फूड क्या होता है। कंप्लीट प्रोटीन फूड वो होता है जिसके अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अभी अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि ये है, और एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि ये 9 है। तो गाइस, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें फूड से या किसी भी सप्लीमेंटेशन के थ्रू लेने होते हैं। और साथ ही एक तीसरा टाइप भी होता है अमीनो एसिड का, जिसको बोलते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। वो बेसिकली होते हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ही हैं, बट दे बिकम एसेंशियल इन सम सर्कमस्टेंसेस। तो जो हमारा कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है उसके अंदर हमारे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और जो हमारे इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड होते हैं उनके अंदर अगर एक भी एसेंशियल अमीनो एसिड या एक से ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड कम है उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड। तो अगर हम बात करें नॉनवेज की, तो नॉनवेज में एग, मीट, फिश ये काफी अच्छे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं। अगर हम बात करें वेजिटेरियन की, तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, कर्ड और साथ में सोया प्रोडक्ट, ये हमारे कंप्लीट प्रोटीन फूड हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें लीग्यूम्स, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, राइस, वीट, तो ये हमारे इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड हैं, क्योंकि इनके अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं, इनके अंदर एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड कम होते हैं। क्या हम दो इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड को कंबाइन करके इसको कंप्लीट प्रोटीन फूड बना सकते हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। like, अगर आप दाल और चावल अगर आप इनको मिक्स करते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन फूड बन जाता है। दाल के अंदर लाइसिन नाम का अमीनो एसिड ज्यादा होता है, राइस के अंदर मिथियोनाइन अमीनो एसिड ज्यादा होता है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन फूड बन जाता है, ये एक दूसरे के अमीनो प्रोफाइल को कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरह अगर आप पीनट बटर सैंडविच लेते हैं तो वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन फूड बन जाता है। तो इस तरीके से गाइस, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियन डाइट में है जो कि मैंने आपको बताया, और कुछ आप मिक्स करके आप उसको कंप्लीट प्रोटीन फूड बना सकते हैं। तो गाइस, अब बात आती है कि क्या जो इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड को हम कंबाइन करके और कंप्लीट प्रोटीन फूड बनाते हैं तो क्या उससे भी सेम बेनिफिट मिलेंगे जो हमें कंप्लीट प्रोटीन फूड से मिलने चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि गाइस 2016 में एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि जब आप दो इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड को मिक्स करते हैं कि अमीनो प्रोफाइल पूरी हो जाती है, उसकी उसकी प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम आपको बेनिफिट देगा जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन फूड आपको देगा। और साथ ही हमारे लीवर में एक अमीनो एसिड पूल होता है जो कि अमीनो एसिड को स्टोर कर लेता है, और जब भी आप कोई इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड लेते हैं तो उसमें जो भी अमीनो एसिड मिसिंग होता है वो लीवर वहां से उसमें ऐड करके उसकी जो अमीनो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर देता है। तो उससे आपको सेम बेनिफिट मिलते हैं जो कि आपको कंप्लीट प्रोटीन फूड से मिलने चाहिए। फ्रेंड्स, अब आप अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सोया ऐड कर सकते हैं, लीग्यूम्स, लेंटिल्स और साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। बट इनको एक एडिक्वेट अमाउंट में लें जिससे कि इन द एंड जब आपकी बॉडी आपके अमीनो प्रोफाइल को कंप्लीट करे तो उसमें जो भी अमीनोज हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं। तो गाइस, इसके साथ साथ अगर आप ये सारे फूड अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपका जो फाइबर इंटेक है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फूड रिच इन फाइबर हैं, रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स हैं, और साथ ही लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट हैं, जिससे कि आपकी हार्ट हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी। फाइबर अच्छा होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका डाइजेशन काफी अच्छा रहेगा, तो और विटामिन मिनरल्स पूरे होने से आपको डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर आप वे प्रोटीन भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक वेजिटेरियन फूड से बना हुआ प्रोडक्ट ही है और साथ में एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट भी है। तो गाइज, इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है या आपकी प्रोटीन इंटेक कितनी है, तो उसके हिसाब से अगर आपकी डाइट से आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी हो रही है तो आपको कोई भी अदर सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो मसल बिल्डिंग का गोल है उसमें आपकी प्रोटीन इंटेक आपको ज्यादा करनी है विद लेस कैलोरीज, कम कैलोरीज के साथ, तो उसमें आप वे प्रोटीन भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं।
तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और मैं इस चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं mahesh_handlestrength के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पे हम लाइव भी जाते हैं, Q&A भी करते हैं, और साथ ही काफ़ी हेल्दी डिस्कशन भी होती हैं। मुझे आप DM भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।